जय हिंद साथियों और साथियों, बिहार एक्साइज एसआई का फिजिकल चल रहा है 64 पोस्टों का। और देखिए ये लड़का भी हाथों में गेट पास लेके खड़ा है। हालांकि ये सारी मेहनत का श्रेय इन सारे अभ्यर्थियों को जाता है कि इतना कम समय में फिजिकल कर पाए, लेकिन सारे अभ्यर्थियों में ये बहुत खास था। खास इसलिए था कि बड़ी कन्फ्यूजन में रहता था, बार बार ही बोलता था सर 16 दिनों में हाई जंप लॉन्ग जंप ही दौड़वा होगा, ये लगता तो ना है। लेकिन अभी जलवा जारी है गुरु जी टीम का, और टोटल बता भी देंगे कि 9-10 64 पोस्ट में यदि हमारी टीम से 9-10 लड़के गेट पास लेके आते हैं, लड़के लड़कियां मिला के, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी तक 5-6 लोग आ गए, बाकी अभी 2-3 अंदर होवे करेंगे। और कितने लोग अंदर है जिसको आप जानते हैं? पिट्टू जी है, एक चश्मा वाला, चश्मा वाला दो, वो तो ऐसे है, तो 5-6 आप लोग आ गए, एक फतुआ वाला। तो बताइए, तो ये इतनी एक छोटी भर्ती में एक संस्थान से इतनी बड़ी रिजल्ट होती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी टीम का नहीं, मैं नहीं इसका श्रेय लूंगा, कहीं ना कहीं बच्चों को श्रेय देते हैं कि काफी वो बारिश में भी, जब हम ग्राउंड में रहते थे सुबह शाम आते थे बारिश में भी, और हाई जंप लॉन्ग जंप में 1-2 दिन बहुत दिक्कत हुआ ग्राउंड में, फिर भी 1-2 दिनों में हाई जंप सीजर मारा कि टाइगर सीजर मारा। हालांकि हम लोग टाइगर भी सिखाए थे बच्चों को, 1 दिन में ही टाइगर सिखा दिए थे, भाई गद्दा देगा आराम से टाइगर कर जाना, तो सारा श्रेय इन लोगों को जाता है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी भर्ती दरोगा के आ रही है उसके तैयारी के लिए क्या किया जाए? आप 64 पोस्ट में आपका रिजल्ट है सर, बहुत बड़ी बात होती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो डेली न्यूज पेपर का एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर के लिए, हाँ करंट अफेयर के लिए एडिटोरियल पढ़िए। हाँ, इसके अलावा लूसेंट और स्पीडी को सभी लोग जानते ही हैं। हाँ, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ पढ़ने की जरूरत, एक वो करंट के लिए कोई भी मैगजीन खोलने के लिए, प्रतियोगिता पेपर या फिर मेंस एग्जाम के लिए, मेंस के लिए भी, दोनों के लिए, दोनों में करंट पूछने लगा आजकल। हाँ, तो इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, अभी काफी खुश हो, मजा आ रहा है यहाँ खड़ा होगा अभी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मेरिट के लेके। हाँ, अरे मेरिट आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत कम लड़के पास में मेरिट भी बन जाएगा? नहीं सर, 3 गुना लगभग लड़के क्वालिफाई इस बार थोड़ा ज्यादा किया, क्योंकि 1275 के भी अभ्यर्थी कुछ दौड़े हैं। हम लोग 1275 में 23 सेकंड से छठे थे, मतलब 6:53 लगा, 6:53 लगा था, अभी कुछ दिन पहले ही छठे हो, लेकिन अभी गेट पास है। चलिए भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी आपका मेरिट भी बने। जय हिंद, वंदे मातरम।